بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين स्वामी गोवर्धन जी सुल्तान की खिदमत में शाही शमशीर आबदार पेश करेंगे। प्रजापालक सुल्तान की सेवा के शुभकामनाओं के साथ मैसूर की प्रजा की ओर से सातों जलों से पवित्र की हुई यह तलवार प्रस्तुत है। आज इस तख्त और ताज की शक्ल में जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है उसके लिए हम परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं। उसने हमें इस अजीम शान सल्तनत की सूरत में अपने करोड़ों बंदों की खिदमत करने का मौका बख्शा है। हम खुदा को गवाह करके अहद करते हैं कि अपनी पूरी तवज्जो और दिल की गहराइयों से इस जिम्मेदारी को हम हर हाल में पूरा करेंगे। रियासत मैसूर की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारे वालिद मरहूम ने जो रास्ता अपनाया था हमारा भी वही रास्ता होगा। मजलूमों के साथ इंसाफ, कमजोरों की मदद, रियाया की तरक्की, अवाम के जान और माल की हिफाजत, मजहबी मेल मिलाप का प्याम, इन सब को बराबरी का दर्जा देना हमारा फर्ज है और उसके साथ ही अपनी सरहदों की हिफाजत हमारा अहम मकसद है। आज अंग्रेजी ताकत आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान में अपने कदम जमाती जा रही है। मद्रास उनका मरकज है, बंगाल पर उनका कब्जा हो चुका है, बिहार और उड़ीसा उनके हाथों में पहुंच चुके हैं, दिल्ली पर उनकी नजर है। हमें इस अजीम ताकत को तोड़ना है और उसके लिए हमारे पड़ोसियों को भी हमारे कदम से कदम मिलाकर बढ़ना है। हम अपनी पड़ोसी रियासतों से दोस्ती की तमन्ना रखते हैं, उनसे टकराना नहीं चाहते। हमारी तलवार हमारे वतन, हमारे उसूल, हमारी इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए है, किसी का मुल्क छीनने के लिए नहीं, अल्लाह की जमीन पर फसाद बर्पा करने के लिए नहीं। हम हर जगह अमन अमान चाहते हैं। हमारा बयान जियो और जीने दो है। हमारे हाथ दोस्ती के लिए फैले हैं, आंखें दोस्ती की राह में बिछी हैं। इस नेक और अजीम मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए हमें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े, अपने जिस्म में बहने वाले लहू की एक एक बूंद भी बहाना पड़े, तो यह हमारे लिए फख्र का मुकाम है। अगर हम इस नेक राह में शहीद हो जाएं, तो इससे बढ़कर हमारे लिए अल्लाह की नियामत क्या हो सकती है। आज हम इस खुदा की बख्शी हुई अजीम शान रियासत को सल्तनत खुदादात का नाम देते हैं।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमेशा हुकूक और इंसाफ की लड़ाई में आगे रहने वाली तंजीम है। हमारा नारा आजादी इंसाफ और तहफ्फुज़ है। हम समाजी इंसाफ के लिए साम्राज्यत और फिरका परस्त फिस्तायत के खिलाफ लड़ाई करने वाले हैं। हम तालीम की फराहमी हुकूक के हुसूल आफाके समावी में रिलीफ और बांस आबादकारी की खिदमत अंजाम देते हैं। हम लोगों को एम्पावरमेंट के लिए इकट्ठा करते हैं। आइए इंसाफ पर मुल्क की तामीर करने के लिए हाथ से हाथ मिलाए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया समाजी इंसाफ कॉन्फ्रेंस 26-27 नवंबर रामलीला मैदान नई दिल्ली।